हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं बीआर प्रजापत हमारे रेगुलर कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि सबसे पहले एक मोटिवेशन स्पीच के साथ हम लोग राजस्थान के भूगोल की हम शुरुआत करेंगे। मित्रों देखिएगा, बहुत हो गई आज की, अब कुछ कर दिखाने की बारी है। बहुत हो गई आज की, अब कुछ कर दिखाने की बारी है। बहुत उम्मीद है घर वालों को हमसे, बहुत उम्मीद है घर वालों को हमसे, क्योंकि अब जिंदगी में कुछ कर दिखाने की बारी है, क्योंकि अब जिंदगी में कुछ कर दिखाने की बारी है। तो इसी मोटिवेशन स्पीच के साथ आज हम लोग पढ़ेंगे राजस्थान की जलवायु। क्या पढ़ेंगे मित्रों? राजस्थान की जलवायु। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि राजस्थान की जलवायु, देखिए मित्रों राजस्थान की जलवायु को हम लोग पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे राजस्थान की जलवायु के अंदर कि मौसम, मौसम क्या है व जलवायु क्या है। मौसम क्या है व जलवायु क्या है। देखिए मित्रों, हम लोग मौसम की हम बात करें तो किसी निश्चित भूभाग क्या कह रहा है कि किसी निश्चित भूभाग, यहां पर हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कि राजस्थान, भारत, चूरू, तो क्या कह रहा है कि किसी निश्चित भूभाग पर, यानी किसी निश्चित भूभाग में औसत वायुमंडल वायुमंडलीय दशाएं जैसे क्या मित्रों, वर्षा, तापमान, आर्द्रता की अल्पकालीन अवधि क्या कहलाती है, मौसम कहलाती है। क्या कहलाती है? मौसम कहलाती है। मौसम है कहलाती है। देखिए साहब, हम लोग पढ़ रहे हैं राजस्थान की जलवायु और हमारे सामने दो पॉइंट है, एक मौसम है और एक क्या है, जलवायु है। एक क्या है, मौसम है, और एक क्या है, जलवायु है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मौसम के बारे में, मौसम क्या फंडा है, मौसम है क्या फंडा है मित्रों। तो देखते हैं कि किसी निश्चित भूभाग, क्या कह रहा है कि किसी निश्चित भूभाग, यानी यहाँ पर निश्चित भूभाग का अर्थ है, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल की दृष्टि से हम देखें तो जैसे भारत, चूरू और राजस्थान, तो किसी निश्चित भूभाग में औसत वायुमंडलीय दशाएं जैसे वर्षा, तापमान, आर्द्रता की अल्पकालीन अवधि क्या कहलाती है मित्रों, मौसम कहलाती है। क्या कहलाती है? मौसम कहलाती है, यानी क्या लिखा हुआ है, अल्पकालीन अवधि, या इसे आप कह सकते हो लघुकालीन, क्या, लघु अवधि को क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं साहब। क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे जलवायु का, जलवायु का क्या फंडामेंटल है कि जलवायु किसी, सेम ही डेफिनेशन है, किसी निश्चित भूभाग, क्या कहता है, किसी निश्चित भूभाग, क्या कह रहा है कि किसी निश्चित भूभाग में औसत वायुमंडलीय दशाएं जैसे क्या हुआ कि तापमान या वर्षा, तो क्या होता है कि दीर्घकालीन
दीर्घकालीन अवधि को, दीर्घकालीन अवधि को जलवायु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जलवायु कहा जाता है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है मित्रों, राजस्थान की जलवायु। तो राजस्थान की जलवायु के अंदर हम लोग देखेंगे तो मौसम व जलवायु, मौसम क्या है, जलवायु क्या है, तो हम लोग समझने की यहाँ पर पूरी पूरी कोशिश करेंगे कि मौसम है मित्रों किसी निश्चित भूभाग में औसत वायुमंडलीय दशाएं, वर्षा, तापमान, आर्द्रता की अल्पकालीन, क्या अल्पकालीन जो अवधि है वह क्या कहलाती है मित्रों, मौसम कहलाती है। क्या कहलाती है? मौसम कहलाती है। अब हम जलवायु की बात करें मित्रों तो किसी निश्चित भूभाग, क्या है, किसी निश्चित भूभाग में औसत वायुमंडलीय दशाएं की दीर्घकालीन अवधि को क्या कहा जाता है? जलवायु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जलवायु कहा जाता है मित्रों। अब हम लोग बात करें कि मौसम व जलवायु में अंतर क्या है, मौसम व जलवायु में अंतर क्या है। तो मौसम व जलवायु का मित्रों हम बात करें तो एक पॉइंट या एक फैक्टर की, एक फैक्टर का अंतर है, यानी एक फैक्टर का अंतर है मित्रों, और वह फैक्टर कौन सा है? समय। क्या हुआ? समय का अंतर है। किसका अंतर है मित्रों? समय का अंतर है, यानी मौसम व जलवायु के बीच सिर्फ एक पॉइंट का अंतर है, यानी समय जो फैक्टर है मित्रों वो क्या है? समय होता है। यहाँ पर मौसम क्या होता है? जो वायुमंडलीय दशाएं होती है मित्रों वह कुछ मिनट, कह सकते हो कुछ मिनट, घंटे या एक सप्ताह तक ये होता है, यानी किसी निश्चित भूभाग में औसत वायुमंडलीय दशाएं जैसे वर्षा, तापमान, आर्द्रता ये कुछ मिनट व कुछ घंटे या कुछ जैसे 4 या 5 दिन तक है होती है। तो यह अवस्था क्या कहलाती है? मौसम कहलाती है। किसका अंतर हुआ? समय का अंतर हुआ। किसका? समय फैक्टर है यहाँ पर अंतर हुआ। जबकि जलवायु के अंदर क्या है मित्रों, हमारे भारत के संदर्भ में देखा जाए तो सामान्यतः 30 वर्ष से अधिक समय, अधिक वर्ष के समय को किसके अंतर्गत चुनेंगे? जलवायु के अंतर्गत है शामिल करेंगे। किसके अंतर्गत है? जलवायु के अंतर्गत शामिल है करेंगे। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, दीर्घकालीन अवधि यानी लंबे समय तक की अवधि किसमें शामिल होगी? जलवायु के अंदर शामिल होगी। और यह क्या है? अल्पकालीन अवधि। मौसम क्या होता है मित्रों की आप जैसे क्या हुआ कि अपन सुबह उठते हैं तो सुबह क्या है मतलब घोर गहरा क्या है जैसे कोहरा छाया हुआ है तो वह क्या है? एक मौसम है। क्या है? मौसम है। तो वर्षा, तापमान, आर्द्रता इनकी जो अल्पकालीन अवधि है मित्रों यानी कुछ समय, कुछ घंटे, कुछ दिनों तक होती है तो वह क्या कहलाता है? मौसम कहलाता है। तो एक बार पुनः आपके सामने बताना चाहूंगा कि जो मौसम है वह किसी निश्चित भूभाग में औसत वायुमंडलीय दशाएं, वर्षा, तापमान, आर्द्रता की अल्पकालीन अवधि, अल्पकालीन अवधि क्या कहलाती है? मौसम कहलाती है। अगर हम जलवायु की बात करें मित्रों तो किसी निश्चित भूभाग में औसत वायुमंडलीय दशाएं दीर्घकालीन अवधि को क्या कहा जाता है? जलवायु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जलवायु कहा जाता है मित्रों। अब हम बात करें कि भारत की जलवायु को, किसकी? भारत की जलवायु को जिस एक शब्द में पिरोया जाता है, जिस एक शब्द में व्यक्त किया जाता है यानी पिरोया जाता है मित्रों, वह शब्द कौन सा हुआ? मानसून शब्द हुआ। कौन सा शब्द हुआ मित्रों? मानसून शब्द, मानसून शब्द हुआ। यानी भारत की जलवायु को जिस एक शब्द में पिरोया जाता है, जिस एक शब्द में पिरोया जाता है यानी व्यक्त किया जाता है, उस शब्द का नाम क्या है मित्रों? मानसून है। शब्द का क्या नाम है मित्रों? मानसून है। तो आइए हम लोग देखेंगे कि मानसून क्या है, मानसून की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है मित्रों।
देखते हैं मानसून के बारे में। मानसून देखिए मित्रों, मानसून है मित्रों, यह है मानसून शब्द की उत्पत्ति। मानसून शब्द की उत्पत्ति, शब्द की उत्पत्ति उत्पत्ति किससे हुई है मित्रों? मानसून शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? अरबी भाषा के किस शब्द से हुई है? मौसम शब्द से हुई है। किस शब्द से हुई है मित्रों? मौसम शब्द से हुई है, यानी मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। किससे हुई है? मौसम शब्द से हुई है मित्रों, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है मित्रों पवन की दिशा, पवन की दशा या दिशा, पवन की दशा या दिशा। तो मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। किस शब्द से हुई है? मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या है मित्रों? पवन की दशा या दिशा, पवन की दशा या दिशा। तो आप लोग यहां समझ रहे होंगे कि मानसून शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है दोस्तों? अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। किस शब्द से हुई है? मौसम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या है? पवन की दशा या दिशा। तो अब हम लोग आगे की ओर चर्चा करेंगे कि विश्व में जलवायु की व्याख्या करने वाला पहला जो विद्वान था मित्रों कौन था, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या है मित्रों? जिसका अर्थ है पवन की दशा या दिशा, पवन की दशा या दिशा। देखिए मित्रों, नोट लगा के लिख देना, नोट लगा के लिख लेना मित्रों। क्या लिख लेना? कि विश्व में जलवायु की सबसे पहले व्याख्या करने वाला कौन था? एक अरबी यात्री था मित्रों। कौन था? अरबी यात्री, जिसका नाम क्या था? हिप्पोलस था। क्या नाम? हिप्पोलस था। तो यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है मित्रों कि विश्व में जलवायु की सबसे पहले व्याख्या करने वाला कौन था? तो अरबी यात्री था मित्रों, हिप्पोलस था। कौन था? हिप्पोलस था, जिसने विश्व में जलवायु की सबसे पहले क्या की थी? व्याख्या की थी। क्या की थी? व्याख्या की थी। इसके बाद में हमारे सामने अगला पॉइंट क्या है मित्रों कि भारत में सबसे पहले जलवायु की व्याख्या किसने की थी मित्रों? देखिए आप लोग रीट में पढ़ रहे होंगे कि रीट के अंदर एक टॉपिक लगता है गुज्जर प्रत्यार राजवंश। क्या कौन सा टॉपिक लगता है? गुज्जर प्रत्यार राजवंश एक टॉपिक लगता है मित्रों। वहां से हम बात करें तो वहां का एक शासक होता है, कौन है? महीपाल प्रथम, महीपाल प्रथम। प्रथम के समय यानी गुर्जर प्रत्याहार राजवंश के शासक महीपाल प्रथम के समय एक अरबी यात्री आता है, और उस अरबी यात्री का नाम क्या होता है मित्रों? अलमसुदी होता है। क्या होता है? अलमसुदी होता है, जिसने भारत में सबसे पहले मानसून की जानकारी
दी थी। तो भारत में सबसे पहले जलवायु की यात्रा करने वाला कौन था? अलम सूदी था। यह भी एक अरबी यात्री था मित्रों। क्या था? अरबी यात्री था जो भारत में सबसे पहले जलवायु की व्याख्या करने वाला था। कौन था? अलम सूदी था। कौन था मित्रों? अलम सूदी था जो किसके शासनकाल में भारत आया था मित्रों? गुजर प्रतिहार राजवंश के समय, जो महिपाल प्रथम था इसके समय ये आया था, अलम सूदी आया था मित्रों। तो भारत में सबसे पहले जलवायु की व्याख्या करने वाला कौन था? अलम सूदी था। लेकिन हम विश्व की बात करें मित्रों, तो विश्व में जलवायु की सबसे पहले व्याख्या करने वाला अरबी यात्री हिप्पोलस था। कौन था? हिप्पोलस था। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला पॉइंट है मित्रों कि राज्य में भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला, मौसम है विभाग की वेधशाला कहां स्थित है? तो मित्रों जयपुर में स्थित है। यह प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है, जयपुर में स्थित है। तो मैंने यहां पर आपको तीन फैक्ट बताए हैं कि विश्व में जलवायु की सबसे पहले व्याख्या करने वाला अरबी यात्री हिप्पोलस था। कौन था? अरबी यात्री हिप्पोलस था, जिसने विश्व में जलवायु से संबंधित सबसे पहले क्या की थी? व्याख्या की थी मित्रों। अगर भारत के संदर्भ में आपको पूछा जाए तो भारत में सबसे पहले जलवायु की व्याख्या करने वाला जो गुजर प्रतिहार राजवंश के समय महिपाल प्रथम के समय आया था, जिसका नाम क्या था मित्रों? अलम सूदी था। क्या नाम था? अलम सूदी था, जिसने भारत के मौसम से संबंधित जानकारी हमें दी थी मित्रों। और राज्य में भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला जयपुर में स्थित है। कहां स्थित है? जयपुर में स्थित है। अब इसके बाद मित्रों हम लोग देखेंगे कि राज्य की जलवायु को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक कौन कौन से हैं, यानी जलवायु को प्रभावित करने वाले कोई ना कोई तो कारक रहे होंगे, तो उन कारकों के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे मित्रों। देखिए मित्रों पॉइंट हम लिखते हैं, राज्य की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो क्या लिखा मैंने कि राज्य की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो आइए हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण कारक है मित्रों वह कौन सा है? सबसे पहले जो महत्वपूर्ण कारक है मित्रों, अक्षांश की स्थिति। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अक्षांश, यानी जलवायु को प्रभावित करने वाला जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है मित्रों वह कौन सा है? अक्षांश। क्या है अक्षांश? ये का जो कारक है मित्रों वह जलवायु को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। तो देखते हैं हम एक मैप के द्वारा। ये कौन सी रेखा हुई मित्रों? जीरो डिग्री अक्षांश। कौन सी रेखा हुई? जीरो डिग्री अक्षांश। जीरो डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा, जीरो डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा। ये कौन सी है मित्रों? कर्क रेखा। कर्क रेखा ये कौन सी रेखा है? मकर रेखा।
मकर रेखा। तो हम लोग देखते हैं कि सूर्य की स्थिति क्या है। सूर्य की स्थिति जैसे कि अक्षांश को कैसा ही है, जलवायु अक्षांश है मित्रों, यह है जलवायु को किस तरह से प्रभावित करता है। तो हम लोग देखते हैं कि यह है हमारा मित्रों 90 डिग्री नॉर्थ पोल, और यह कौन सा हुआ 90 डिग्री साउथ पोल। 90 डिग्री नॉर्थ पोल, 90 डिग्री साउथ पोल, इसे आप कह सकते हो उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव है, और इसे आप कह सकते हो दक्षिणी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है। 90 डिग्री नॉर्थ पोल और 90 डिग्री साउथ पोल यानी उत्तरी ध्रुव है वह दक्षिणी ध्रुव है। देखिए मित्रों, जब सूर्य, ये कौन सी रेखा है, अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा, जैसा कि आपने मैप में आप देख रहे होंगे कि जब सूर्य सीधा कहां लंबवत हो, भूमध्य रेखा पर लंबवत हो, तो सूर्य का जो तिरछापन है मित्रों वह कहां पड़ेगा, ध्रुवों पर। सूर्य का तिरछापन है मित्रों वह कहां पड़ रहा है, ध्रुवों पर है, पड़ रहा है। कहां पड़ रहा है मित्रों, ध्रुवों पर है, पड़ रहा है। पर लंबवत कहां पर है मित्रों, 0 डिग्री भूमध्य रेखा पर। यहां पर हम कुछ एग्जांपल लेंगे, मान लीजिए यह कौन सा स्थान होगा, यहां पर जैसे मान लीजिए कि यह है मित्रों ए स्थान है, और यह है मित्रों बी स्थान, और यह है मित्रों सी स्थान। जब सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत हो, यानी जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाएंगे, जैसे जैसे तापमान में क्या होगी, कमी होगी। जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाएंगे तो तापमान में क्या होगी मित्रों, कमी होगी। यानी मान लीजिए जैसे जैसे हम लोग क्या है, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो तापमान में क्या होगी, कमी होगी। क्या होगी, तापमान में कमी होगी। तो आपसे मैं ये पूछूं कि सर्वाधिक जो तापांतर कहां स्थित होगा, यानी सर्वाधिक तापांतर है कहां पर पड़ेगा, तो मित्रों सर्वाधिक जो तापांतर है वो कहां होगा, ए पर होगा, और ए की बजाय बी पर थोड़ा कम होगा, और सी पर क्या होगा, कम होगा। तो यहां पर तापमान में क्या होगी, कमी होगी, और सर्वाधिक तापमान कहां पाया जाएगा, एक जो ए नंबर स्थान है मित्रों, यहां पर सर्वाधिक क्या होगा, तापमान होगा, इसकी बजाय बी पर थोड़ा कम तापमान होगा, और इसकी बजाय सी में बहुत ज्यादा कम तापमान होगा। तो जैसे जैसे हम लोग ध्रुवों की ओर जाएंगे वैसे वैसे तापमान में क्या होगी मित्रों, कमी होगी। क्या होगी, तापमान की कमी होगी। जैसे जैसे हम ध्रुवों से वापस और आएंगे तो जैसे जैसे तापमान में क्या होगी, वृद्धि होगी, सूर्य का तिरछापन घटेगा। जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाएंगे तो सूर्य का तिरछापन बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, सूर्य का तिरछापन बढ़ेगा मित्रों। इसी स्थिति को अगर हम राजस्थान में फॉलो करें, यानी इसी स्थिति को अगर हम राजस्थान में फॉलो करें तो क्या हमारे सामने निकल कर आता है मित्रों, तो हम लोग देखेंगे। जैसे राजस्थान के संदर्भ में हम बात करें, जैसे ये कौन सी रेखा हुई मित्रों, 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा, ये कौन सी रेखा हुई मित्रों, मकर रेखा, और ये कौन सी रेखा हुई, कर्क रेखा। कर्क रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा व मकर रेखा, मकर है रेखा। अगर हम राजस्थान की बात करें तो देखिएगा, राजस्थान की स्थिति कुछ यूं बनती है मित्रों, राजस्थान की कुछ स्थिति ऐसे बनती है। तो
यहां पर कौन सा कटिबंध पाया जाता है? उष्ण कटिबंध पाया जाता है, और यहां पर है उष्ण कटिबंध पाया जाता है, और इसके बाद मित्रों कौन सा पाया जाता है? शीतोष्ण कटिबंध है, और ध्रुवों पर कौन सा पाया जाता है? शीत कटिबंध। कौन सा? शीत कटिबंध पाया जाता है मित्रों। शीत कटिबंध। तो मतलब राजस्थान के संदर्भ में देखा जाए, जो भाग भूमध्य रेखा के पास में है, जो भाग भूमध्य रेखा के पास में है, वहां पर क्या होगा मित्रों? सर्वाधिक क्या होगा? तापमान होगा। जो भूमध्य रेखा से सर्वाधिक दूर पर है, वहां पर तापमान क्या होगा मित्रों? कम होगा। जैसे कि हम लोग बात करें, ये जैसे हमारा सूर्य है, इसका जो तिरछापन है मित्रों, वह कहां पड़ रहा है? ध्रुवों पर पड़ रहा है। कहां पड़ रहा है? ध्रुवों पर पड़ रहा है सर्वाधिक तिरछापन। वह सीधापन कहां पड़ रहा है मित्रों? भूमध्य रेखा पर पड़ रहा है। तो देखते हैं कि यहां से आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान में सर्वाधिक सूर्य का तिरछापन कौन से जिले में है? सूर्य का तिरछापन राजस्थान में कौन से जिले में है? तो मित्र कौन सा जिला हुआ? श्री गंगानगर जिला। सर्वाधिक है गंगानगर जिला, और सर्वाधिक तिरछा जो सीधी रेखाएं पड़ती है सूर्य की, वह कौन सा जिला हुआ मित्रों? बांसवाड़ा। कौन सा हुआ मित्रों? बांसवाड़ा हुआ है डूंगरपुर। तो राजस्थान की सर्वाधिक तिरछापन गंगानगर जिले में और सीधापन बांसवाड़ा जिले में पड़ता है मित्रों। अब इसी तरीके हम लोग देखें कि राजस्थान की स्थिति यानी 30 डिग्री कितना है? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री कितना है? 12 मिनट, और 69 डिग्री 17 मिनट से कितना? 69 डिग्री 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर में राजस्थान क्या है? स्थित है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो सूर्य का जो सीधापन है वो बांसवाड़ा जिले में पड़ता है, और सूर्य का जो तिरछापन है मित्रों कहां पड़ेगा? गंगानगर जिले में पड़ेगा। तो राजस्थान की जलवायु कैसी होगी मित्रों? तो अधिकांश भाग है तो राजस्थान का वो शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। तो राजस्थान की जलवायु कैसी होगी मित्रों? देखिए अक्षांशीय और देशांतर विस्तार के रूप में अगर देखा जाए तो राजस्थान की जलवायु कौन सी होगी मित्रों? शीतोष्ण प्रकार की जलवायु होगी। शीतोष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है। लेकिन राज्य के डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले में यह उष्ण कटिबंध के पास में स्थित होने के कारण, क्योंकि कर्क रेखा है राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले से होकर गुजरती है, और यह भाग कौन सा होगा? उष्ण कटिबंध उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। जो बांसवाड़ा जो प्रतापगढ़ क्षेत्र है मित्रों, वह कौन से कटिबंध में स्थित है? उष्ण कटिबंध में स्थित है। लेकिन राजस्थान का पूरा जो पूछा जाए तो शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। तो यह है मित्रों अक्षांश जो जलवायु को बहुत ही प्रभावित करता है मित्रों। तो यहां से आपको ये याद रखना है कि जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाएंगे तो तापमान में क्या होगी? कमी होगी, और जैसे जैसे हम वापस आएंगे तो जैसे जैसे तापमान में क्या होगी? वृद्धि होगी। जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाएंगे तो सूर्य का तिरछापन बढ़ेगा, क्या होगा? सूर्य का तिरछापन बढ़ेगा, और जैसे जैसे हम पास में आएंगे तो सूर्य का तिरछापन क्या होगा? घटेगा। तो ये हुआ हमारे अक्षांश की दृष्टि से जो जलवायु को बहुत ही प्रभावित करता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो मित्रों। इसके बाद में हम लोग चर्चा करेंगे अगला जो हमारा पॉइंट है कि समुद्र तल से ऊंचाई। अगला पॉइंट कौन सा है मित्रों? समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई।
तल से ऊंचाई, यानी जैसे जैसे हम समुद्र तल से ऊंचाई की ओर जाते हैं तो तापमान क्या होता है मित्रों, कम होता है। यानी जैसे जैसे हम समुद्र तल से ऊंचाई की ओर जाते हैं तो तापमान कम होता है, तो तापमान कम होता है। कितना होता है गुरुजी, तापमान कम है होता है। तो देखो यानी कि 1000 मीटर पर कितना कम होता है, 6.5 सेल्सियस कम होता है। इसे हम यह भी कह सकते हैं यानी 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या होता है, कम होता है। तो यानी जैसे जैसे हम समुद्र से ऊंचाई की ओर जाएंगे वैसे वैसे तापमान में क्या होगा, कम होगा। मान लीजिए ये कोई समुद्र तल है और समुद्र तल से हम जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे तो तापमान में क्या होगी, कम ही होगी। यानी 1000 मीटर पर 6.5 जो सेल्सियस है तापमान क्या होगा, कम होगा मित्रों। और 165 मीटर पर हम कितना होगा, 1 डिग्री सेल्सियस है कम होगा। तो 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस कम होगा और 165 मीटर पर कितना होगा, 1 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। इसी को क्या कहते हैं मित्रों, क्या कहते हैं, सामान्य ताप पतन दर कहते हैं। यानी समुद्र तल से ऊंचाई, जैसे जैसे हम लोग समुद्र तल से ऊंचाई की ओर जाएंगे तो वैसे वैसे तापमान में क्या होगा, तापमान में क्या होगी मित्रों, कमी होगी। जैसे 1000 मीटर पर कितना होगा, 6.5 डिग्री सेल्सियस कम होगा। और 165 मीटर पर कितना होगा मित्रों, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या होगा, कम होगा। इसी को क्या कहते हैं, सामान्य ताप पतन दर कहते हैं मित्रों। तो हम लोग एक मैप के द्वारा इनको समझने की कोशिश करेंगे। मैंने आपसे क्या कहा कि जैसे जैसे समुद्र से हम ऊंचाई की ओर जाएंगे तो वैसे वैसे तापमान में क्या होगी मित्रों, कमी होगी। तो हम लोग देखते हैं, मैंने क्या कहा कि जैसे जैसे हम समुद्र तल से ऊंचाई की ओर जाएंगे तो वैसे वैसे तापमान में क्या होगी, कमी होगी। तो देखिए मित्रों, जैसे मान लीजिए ग्रीष्म ऋतु में मान लीजिए यहां पर मोहन का घर है, किसका घर है, मोहन का घर है, जहां पर ग्रीष्म ऋतु में तापमान है मित्रों कितना, जैसे 37 डिग्री सेल्सियस है, कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस है। मैंने क्या कहा, जैसे जैसे समुद्र तल से हम ऊंचाई की ओर जाएंगे वैसे वैसे तापमान में क्या होगी, कमी होगी, क्या होगी, कमी होगी। और यहां पर मान लीजिए कि राकेश का घर है जो 1800 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है, जो 1800 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है। तो आप लोग मेरे को बताइए कि सर्वाधिक तापमान कहां होगा और सर्वाधिक तापमान कमी कहां होगी। मैंने कहा था कि समुद्र तल से जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई पर जाएंगे तो तापमान में क्या होगी, कमी होगी, तापमान में कमी होगी। और जैसे जैसे नीचे की ओर आएंगे तो तापमान में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो ग्रीष्म ऋतु में मान लीजिए कि ये मोहन का घर है, यहाँ पर 37 डिग्री सेल्सियस तापमान है और राकेश का घर कुछ ऊंचाई पर होने 1800 मीटर की ऊंचाई पर होने के बजाय होने के कारण यहाँ पर तापमान में क्या पाई जाएगी, कमी पाई जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको धारणा आपको समझ में आया होगा मित्रों।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने आप अपने साथियों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये जो उच्चतम जो हमारा स्थान है यानी जो 1800 मीटर की ऊंचाई पर है बना हुआ है राकेश का घर और यहाँ पर मोहन का घर है। तो सर्वाधिक तापमान में जो कमी होगी मित्रों कहाँ पाई जाएगी? राकेश के घर में पाई जाएगी, राकेश के घर के यहाँ पर पाई जाएगी। और सबसे कम तापमान में सबसे ज्यादा तापमान पाया जाएगा मोहन के यहाँ पाए जाएगा। तो ये सबसे अच्छा उदाहरण है मित्रों उनको समझने के लिए। तो जैसे जैसे हम तापमान जैसे जैसे हम समुद्र तल से ऊंचाई की ओर जाएंगे तो वैसे वैसे तापमान में क्या होगी? कमी होगी। अब यहाँ पर तापमान में कमी क्यों हुई? क्योंकि ये सर्वाधिक ऊंचाई पर है और मैंने क्या कहा कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे तो तापमान में क्या होगी मित्रों? कमी होगी। अब यहां से कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान में सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है? राजस्थान में सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है मित्रों? और सर्वाधिक जो ठंडा आपसे पूछा जाए क्या यानी सर्वाधिक गर्म स्थान है कौन सा है? तो राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा हुआ? माउंट आबू। राजस्थान का सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा हुआ? फलोदी जोधपुर। राज्य की अधिकांश भाग क्या है? जैसे हम बात करें कि राज्य का अधिकांश भाग की औसत ऊंचाई कितनी है? मित्रों 370 मीटर है। कितनी है? 370 मीटर है। तो अरावली की अगर हम अरावली की बात करें अरावली समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है मित्रों? 930 मीटर है। कितनी? 930 मीटर है। तो ये फैक्टर आपको ध्यान में रखना है कि सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा हुआ? माउंट आबू हुआ। सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा हुआ? फलोदी जोधपुर हुआ। राज्य का अधिकांश भाग की औसत ऊंचाई राजस्थान की अधिकांश भाग की औसत ऊंचाई 370 मीटर है मित्रों। और जहां पर अरावली की हम बात करें तो यह समुद्र तल से 930 मीटर जो इसकी औसत है ऊंचाई है मित्रों। तो ये हुआ हमारा समुद्र तल से ऊंचाई। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि अरावली की स्थिति क्या है मित्रों। किसकी? अरावली की स्थिति व दिशा। अगला हमारा पॉइंट है अरावली की स्थिति व दशा क्या है। अरावली की स्थिति व दिशा क्या है? तो इस टॉपिक को हम समझने की कोशिश करेंगे। इसे हम लोग बात करें कि जो अरावली की जो स्थिति है मित्रों ये क्या है हमारी अरावली। क्या है मित्रों? अरावली जो गुजरात के पालनपुर से शुरू होकर रायसीना तक जाती है।
रायसीना पहाड़ नदी ये है। तो जो अरावली की जो स्थिति है मित्रों वह गुजरात के पालनपुर से लेकर रायसीना हिल्स तक है। इसकी हम कुल लंबाई की बात करें तो कुल लंबाई कितनी है मित्रों 692 किलोमीटर। कितनी है 692 किलोमीटर। तो राजस्थान में हम बात करें तो कितने हैं मित्रों 550 किलोमीटर। तो ये दोनों फैक्टर आपको ध्यान में रखना है कि रावली की कुल लंबाई कितनी है 692 किलोमीटर व राजस्थान में कितनी है मित्रों 550 किलोमीटर है। मित्रों इसके संदर्भ में देखा जाए कि जो अरावली की स्थिति है दिशा है ये है हमारे जलवायु को किस तरह से प्रभावित करती है। जो अरावली की जो स्थिति है मित्रों दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। राजस्थान की में अरावली की जो स्थिति है मित्रों किस तरह से है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। तो आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि अरावली की स्थिति क्या है राजस्थान के संदर्भ में। तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। अब हम लोग देखते हैं कि अरावली की जो स्थिति है यह है राजस्थान की जो जलवायु को किस तरह से प्रभावित करती है। मित्रों देखिए मित्रों हम लोग बात करें कि दक्षिणी पश्चिम में मानसून की एक शाखा जिसका क्या नाम है अरब सागर की शाखा जो इस तरह से आगे बढ़ती हुई बिना अवरोध के कारण यह शाखा आगे चली जाती है वह राजस्थान में वर्षा नहीं कर पाती है। दक्षिण पश्चिम का जो मानसून है उसके शाखा अरब सागर की शाखा जिसमें ये पवने हैं मित्रों यह है अरावली इसके समानांतर होने के कारण यह हवाएं ये पवने इसके ऊपर से निकल जाती है यानी बिना किसी अवरोध के कारण ही है हवाएं ये पवने इसके ऊपर से निकल जाती हैं वह राजस्थान में वर्षा नहीं कर पाती है। क्या फैक्टर हमारे यहाँ पर समझ में आया कि अरावली के समानांतर होने के कारण ये पवने इसके ऊपर से निकल जाती है और किसी अवरोध के बिना अवरोध के कारण न होने के कारण ये यहाँ से ऊपर से यहाँ पर निकल जाती है जिस कारण से यहाँ पर वर्षा नहीं कर पाती है। तो दक्षिणी पश्चिम मानसून की शाखा अरब सागर की शाखा जो अरावली इसके समानांतर होने के कारण यहाँ पर कोई अवरोध नहीं होने के कारण यह पवने ऊपर की ओर निकल जाती है इस कारण यहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती है। तो राजस्थान की जलवायु में अरावली की जो स्थिति या दिशा है वह बहुत ही प्रभावित करती है। दक्षिणी पश्चिम मानसून की एक और शाखा जिसका नाम क्या है मित्रों बंगाल की खाड़ी शाखा। यह शाखा मित्रों राजस्थान में पूर्वी दिशा से प्रवेश करती है इसलिए इसे क्या कहा जाता है पूर्वैया कहा जाता है। यानी दक्षिण पश्चिम मानसून की दूसरी शाखा बंगाल की खाड़ी शाखा जो राजस्थान में पूर्वी दिशा से प्रवेश करती है इसलिए इसे क्या कहा जाता है पूर्वैया कहा जाता है। तो अरावली की स्थिति क्या है मित्रों दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है जिसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर है वह लंबाई कितनी है मित्रों 550 किलोमीटर है राजस्थान के अंदर। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की एक शाखा जिसका नाम है अरब सागर की शाखा जो अरावली इसके समानांतर होने के कारण यह बिना अवरोध के कारण यह हवाएं ये पवने ऊपर से निकल जाती है इस कारण यहाँ पर अधिक वर्षा यानी वर्षा बहुत ही कम मात्रा में यहाँ पर वर्षा होने को मिलती है। तो अब हम देखते हैं बंगाल की खाड़ी की शाखा
बंगाल की खाड़ी की शाखा। देखिए मित्रों, ये डायग्राम के द्वारा हम लोग समझते हैं। जैसे क्या हुआ कि ये कौन सा भाग हुआ, ये हमारी क्या अरावली, और ये कौन सा हुआ पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान, और ये क्या कौन सा हुआ मरुस्थल, कौन सा हुआ मरुस्थल। देखिए हमने पढ़ा कि दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है इसकी एक शाखा कौन सी थी, अरब सागर शाखा, कौन सी थी मित्रों अरब सागर शाखा। देखिए इस शाखा के अरावली क्या है, समानांतर है, क्या है मित्रों इस शाखा के अरावली क्या है मित्रों, समानांतर है। इस कारण से यहां पर जो पवने हैं यह बिना किसी अवरोध के यहां से निकल जाती है और यहां पर वर्षा नहीं कर पाती है मित्रों। दूसरी जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की शाखा है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की जो शाखा है मित्रों, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी शाखा, यह शाखा राजस्थान में पूर्वी दिशा से प्रवेश करती है, पूर्वी दिशा से प्रवेश करती है मित्रों। कौन सी, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है मित्रों, यह पूर्वी दिशा से प्रवेश करती है। पूर्वी दिशा से यह प्रवेश करती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून की जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है, किस दिशा से, पूर्वी दिशा से यह प्रवेश करती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है पूर्वैया कहा जाता है, क्या कहा जाता है पूर्वैया कहा जाता है। देखिए साहब, जब दक्षिणी पश्चिमी बंगाल की, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की तो बंगाल की खाड़ी की शाखा पूर्व से प्रवेश करती है, तो अब हमारे अरावली क्या है इसके समकोण पर है, क्या है इसके समकोण पर है। जैसे ही ये पवने यहां टकराएगी, जैसे ही पवने अरावली से टकराएगी, क्योंकि पीछे से क्या होता है इसके दबाव होता है, दबाव के कारण ये पवने ऊपर की ओर उठती है, दबाव के कारण ये पवने ऊपर की ओर उठती है, और ऊपर से ऊपर की ओर उठने के बाद में यहां पर क्या करती है मित्रों, अधिक बरसात करती है, क्या करती है अधिक बरसात करती है। मान लीजिए कि दक्षिण पश्चिमी मानसून की जो बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है आती है राजस्थान की पूर्वी दिशा से ये प्रवेश करती है, इस कारण इसे क्या कहा जाता है पूर्वैया कहा जाता है मित्रों। देखिए जो बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है मित्रों, जब राजस्थान की पूर्वी दिशा से प्रवेश करती है तो यह अरावली इसके समकोण के समकोण पर होने के बजाय, जैसे समकोण पर है, जैसे ये पवने आकर यहाँ पर टकराएगी, क्योंकि पीछे से क्या होता है दबाव होता है, जैसे ही ये पवने अरावली से टकराएगी और दबाव के कारण ये पवने ऊपर की ओर उठती हैं, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे तो क्या होगा तापमान में क्या होगी कमी होगी, क्या होगी मित्रों तापमान में कमी होगी, और कमी होती है तो यह पवने ऊपर की ओर उठने के बाद में यहाँ पर सर्वाधिक क्या करती है मित्रों, बरसात करती है, क्या करती है बरसात करती है। पवनमुखी ढाल, इसे क्या कहेंगे हमें पवनमुखी ढाल कहेंगे, पवनमुखी पवनमुखी ढाल कहते हैं। अब क्या हुआ साहब, जैसे ही ये पवने आई अरावली के टकराई, टकराने के बाद में इस पवनों के पीछे क्या है जो दबाव लगा हुआ है, जैसे ही ये पवन दबाव के कारण ऊपर की ओर उठती है, जैसे जैसे ये ऊपर उठेगी तो वैसे वैसे तापमान में क्या होगा तापमान कम होगा और यहां पर सर्वाधिक क्या होगी सर्वाधिक वर्षा होगी। तो यह कौन सा हुआ पवनमुखी ढाल हुआ, कौन सा हुआ पवनमुखी ढाल हुआ। जैसे ही यह पवने पार करकर जब नीचे उतरती है, जब नीचे उतरती है मित्रों, तो यह अपनी नमी खो देती है, यह पवने अपनी नमी खो देती है, इस कारण यहां पर बहुत कम मात्रा में वर्षा होने को हमें मिलती है, क्या मिलती है बहुत कम मात्रा में वर्षा होने को मिलती है, जिसे आप क्या कह सकते हैं पवन विमुखी ढाल, क्या कहते हैं पवन
विमुखी था, और ये हमारा कौन सा हुआ, वृष्टि छाया क्षेत्र प्रदेश, वृष्टि छाया क्षेत्र प्रदेश। समझ में आया कि आपको कि बंगाल की दक्षिणी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है यह राजस्थान में पूर्व दिशा से प्रवेश करती है। सीधी सी बात है, जब प्रवेश करती है तो अरावली इसके क्या होगी, समकोण पर होगी। जैसे ही ये पवने अरावली से टकराएगी, टकराने के बाद ये पवने ऊपर की ओर उठेंगी, उठने के बाद में यहाँ पर ये जो दामन कम होने की बजाय यहाँ पर क्या करेंगी, सर्वाधिक वर्षा करेंगी। जैसे ये पवने इसको पार करने के बाद जो नीचे की ओर उतरती है तो यहाँ पर ये अपने साथ नमी की मात्रा बहुत ही कम होती है। तो यह कौन सा हुआ, वृष्टि छाया क्षेत्र हुआ, और इसे क्या कहते हैं, पवन विमुखी ढाले कहा जाता है। तो ये आज हमने पढ़ा है राजस्थान की जलवायु के अंतर्गत सामान्य जानकारी पढ़ा है, वह राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हमने गहन अध्ययन किया है, और इसका अगला जो एपिसोड है हम जल्द ही लेकर आपके सामने आएंगे। तो आप अगर आपको ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इसको सब्सक्राइब जरूर करें मित्रों। तो आज हमने पढ़ा है कि अरावली के बारे में, कि जो जलवायु के बारे में, कि मौसम क्या है, जलवायु क्या है, सबसे पहले जलवायु संबंधित व्याख्या किसने की, विश्व में भारतीय समय में किसने की, और राजस्थान में जो भारतीय वेधशाला है वो कहाँ स्थित है मित्रों। इसके बाद हमने पढ़ा कि राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो धन्यवाद मित्रों, जल्द ही मिलते हैं हम अगले एपिसोड में। जय हिंद साथियों, नमस्कार।